हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। अब यार देखो, जब भी सवाल उठता है रैली को लेकर के, जब भी रैली को लेकर के वन पीस फैंस के बीच में डिस्कशन होता है, हमेशा उनके दिमाग में आता है कि यार रैली कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपने प्राइम टाइम में कितना ज्यादा स्ट्रांग था और अब कितना ज्यादा वो स्ट्रांग है। इस बात पे हर बंदा एग्री करता है, रैली अपने प्राइम टाइम में यौंग को जितना स्ट्रांग था। बट सवाल उठता है आज के टाइम पे जब वो बूढ़ा हो चुका है तो वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो यार आज के इस वीडियो में हम उस चीज को लेकर के डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो अपना ओल्ड रैली है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहले बात करते रैली का, हमें पहली बार इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था, किस तरह से हमें रैली को दिखाया गया था। तो मैं यहाँ पर मांगा के चैप्टर की बात करूंगा, बिकॉज मेरे को कौन से एपिसोड में दिखाया गया तो वो मुझे याद नहीं है। मांगा चैप्टर 500 में पहली बार हमें रैली को देखने को मिला था, जहाँ पर वो कॉन्करर हाकी यूज करता है, उस फिशमैन वाली जलपरी को बचाने के लिए गार्ड्स को बेहोश कर देता है। भाई जब मैंने वो वाला सीन देखा था, मैंने सोचा था कि वो जायंट है, सच बता रहा हूँ जायंट है। बट वो जायंट जब कहता है ना, ओल्ड मैन वो हाकी तुमने यूज किया, और वहाँ पर लिखा हुआ आता है राइट हैंड मैन ऑफ किंग ऑफ द पायरेट डी रॉजर, और नीचे लिखा हुआ होता है डार्क किंग सिल्वर रैली। भाई वो वाला जो सीन था ना, बहुत ही ज्यादा एपिक था। और उसके बाद जिस तरह से रैली ने कॉनकरर हॉकी को यूज करके दिखाया, वहां पर गार्ड्स को लेटाया, बहुत ही ज्यादा बवाल था। साथ ही साथ हमें ये बात भी बताया गया है वन पीस में, जहाँ पर बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो बोट का यूज करते हैं काम बेल्ट से गुजरने के लिए, या फिर कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि नॉर्मल बोट तो वहां पर से जा ही नहीं सकती क्योंकि वहां पर सी किंग्स होते हैं। भाई ये बंदा साला काम बेल्ट में तैरता है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, ये बंदा बूढ़ा होने के बावजूद तैर के जाता है। भाई ऐसे तो रैली के बहुत सारे फीट्स यार प्राइम टाइम पे हैं, बट हम प्राइम टाइम वाले रैली की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज प्राइम टाइम वाले रैली को लेकर के किसी के भी दिमाग में जरा भी डाउट नहीं रहता है कि प्राइम टाइम वाला रैली यौंग को लेवल कैरेक्टर था। बट हम बात कर रहे हैं अभी वाले रैली की। अगर तुम्हें याद होगा, रैली जब ऑक्शन में गया था, वहां पर जब गार्प को ये न्यूज पता चलता है, भाई गार्प ने उसको लेजेंड भी बोला था। मतलब तुम समझ रहे हो, ये बंदा हलवा नहीं है, और उसने ये भी कहा था इसके पीछे जाएंगे तो हम बहुत सारे अपने सोल्जर्स खो देंगे। मतलब वो ये बात भी जानता है ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। अब देखो गार्प के पावर को लेकर के तो किसी के दिमाग में डाउट रहता ही नहीं है कि गार्प कितना ज्यादा स्ट्रांग है। भाई बूढ़ा होने के बावजूद उसने मार्को को एक पंच मारा, और फिर भाई वो बंदा कहां जाके गिरा था तुमको याद ही होगा। लेकिन मैं अगर चला जाऊं रैली के पास, तो मुझे लगता है रैली आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ उसके स्टैमिना में थोड़ा बहुत गिरावट आया होगा, जो कि हमें देखने को मिलता है, बट उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, प्लस उसका पावर तो यार पहले जैसा ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट रैली आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब हम जरा आते किजारू वर्सेस रैली के फाइट पे। तुम्हें शायद वो वाला सीन तो याद ही होगा जब किजारू ने बाकी सारे स्ट्रॉ हैट की यार बत्ती गुल कर दी थी, भाई फुटबॉल की तरह लथियाया जा रहा था, साथ ही साथ सुपरनोवास को भी पहले उसने धो दिया। उस दिन अगर रैली नहीं आता, भाई जोरो का मरना तय था, बिकॉज वहां पर कोई बंदा दम नहीं रखता था किजारू को जाके चैलेंज कर सके। बट वहां पर रैली आता है और उसने किजारू को रोका भी, और भाई जिस हिसाब से उन दोनों की फाइट चल रही थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रही थी, पर वहां पर बहुत लोगों को लगता है कि रैली वहां पर हांप रहा था, जिस वजह से अगर किजारू वहां पर सीरियस होता तो रैली के वो हरा देता। भाई हलवा है क्या यार, गार्प ने ऐसे ही उसे लेजेंड नहीं कहा। देखो रैली का हांफना तय था, रैली वहां थक जाता वो ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज किजारू का पावर तुम सब जानते हो, लाइट वाली पावर है बंदे के पास, वो बंदा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने का दम रखता है। नॉर्मल इंसान है जिसे हॉकी यूज करना आता है, वो उस हालत में भी किजारू की स्पीड को टच कर रहा था, उसके साथ बराबर का फाइट कर पा रहा था, वो भी बूढ़ा होने के बावजूद उसकी स्पीड को टच करके उसके साथ काउंटर अटैक भी कर पा रहा था। और एक चीज तुम वहां पर गौर करना, रैली वहां पर उसे रोकने आया था, ना कि उसको हराने आया था, वरना अगर वो उसको हराने आया हुआ रहता तो वो डायरेक्ट आके कॉनकरर हॉकी यूज करता, वो भी कोटिंग वाला, ना कि आर्मामेंट हॉकी। एक और चीज बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कॉनकरर हॉकी काम किस तरह से करता है। अब देखो यार इस चीज का जवाब ठीक से ओडा ने भी अभी तक हमें रिवील नहीं किया, बट मैं इतना जानता हूँ अगर सामने वाले के पास कॉनकरर हॉकी कोटिंग है
तो तेरे पास भी कॉन्करर हॉकी कोटिंग होना चाहिए। अब रैली के पास कॉन्करर हॉकी कोटिंग है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, बट किजारू के पास नहीं है, इस बात का मैं श्योर हूँ। और एक चीज, तुम एक बात जान लो, अगर किजारू आउकीजी जैसे कैरेक्टर्स के पास कॉन्करर हॉकी कोटिंग होता ना, तो ये लोग यार जाकर के डायरेक्ट योंकोस से भिड़ते, डायरेक्ट उनको पकड़ने का ट्राई करते। बिकॉज हम सब जानते हैं किजारू कितना ज्यादा निडर बंदा है, वो किसी से नहीं डरता है, वो डायरेक्ट जाके भिड़ जाता है सामने कोई भी हो। और यही वो चीज हमें देखने को मिला था रैली के खिलाफ भी। बट वहीं अगर हम जाए रैली के पास, भाई रैली तीनों टाइप ऑफ हॉकी का मास्टर है, प्लस उसको एडवांस कॉन्करर हॉकी भी आता है, इस बात पे मैं 100% श्योर हूँ। मत बोलने लग जाना कि हमें भाई एडवांस कॉन्करर हॉकी यूज करते हुए रैली को नहीं दिखाया गया। भाई इस बंदे ने फैंक्स को ट्रेनिंग दिया है, वो भी 10 साल, लूफी को ट्रेनिंग दिया है, बगी को भी ट्रेनिंग दिया। इस बंदे से अगर तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये बंदा कॉन्करर हॉकी कोटिंग नहीं जानता होगा, ये तो वही बात हो गया तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल को ABCD लिखना नहीं आता। साथ ही साथ ये रॉजर का राइट हैंड मैन था, तो ऑब्वियसली बात है इसको तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। एक और चीज हमें बताया गया था, वो बूढ़ा होने के बावजूद सुपरनोवा से 100 times स्ट्रॉन्गर है, वो बात तो होना ही है। बट वहां पर किजारू का क्या जीतने का चांस था? भाई किजारू नहीं जीतता अगर रैली के खिलाफ फाइट करता, ये मेरा ओपिनियन है। भले स्पीड के मामले में किजारू जीत जाता, बट रैली को भाई ऑब्जर्वेशन हॉकी का मास्टर है, वो बंदा शायद फ्यूचर साइड भी खोल सकता है, उसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होगा अगर वो हमें ये चीज करता हुआ दिखा दे। साथ ही साथ उसका पावर का नजराना तो हमें उस वक्त भी दिखता है जब वो बंदा भाई मरीन फोर्ड में भी जाता है। वो बात अलग है, मरीन फोर्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद गया था, हर किसी को लगा था वो शायद हमला करने आ रहा है, बट वो हमला करने नहीं आया था। और तुम ये बात बताओ ना, अगर रैली इतना ही ज्यादा वीक हो गया रहता, तो भाई जब सबको पता चल गया कि रैली जिंदा है, उसके पीछे एडमिरल्स काहे नहीं पड़ गए? भाई सब जानते हैं अगर उसके पीछे जाओगे सिंगल एडमिरल से तो वो हैंडल होने वाला नहीं है, वो भी इस हालत में। वो किजारू को तो हरा ही देगा, किजारू आउकीजी जैसे कैरेक्टर्स को, उसके लिए कम से कम 2 एडमिरल्स तो चाहिए ही चाहिए, वो भी आज के टाइम पे, प्लस बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए। ये बंदा ऐसे ही नहीं लेजेंड है। साथ ही साथ तुमको शायद याद होगा, रैली ने बूढ़े होने के बावजूद लूफी के बाउंस मैन वाले फॉर्म को एक मुक्का मार के हिला दिया था, मतलब गिरा ही दिया था समझो। और शायद तुमको याद है काइडो ने क्या किया था, लूफी को डायरेक्ट मार के नॉकआउट कर दिया था। अगर भाई वहां पर रैली ने भी कॉन्करर हॉकी कोटिंग करके लूफी को मारा हुआ रहता ना, लूफी नहीं उठता, बट रैली उसे ट्रेनिंग दे रहा था, इस वजह से उसने बस आर्मामेंट हॉकी कोटिंग करके ही मारा। साथ ही साथ रियू हॉकी भी उसे आती है और एडवांस कॉन्करर हॉकी उसे नहीं आती है, ये बात तो हो ही नहीं सकता। उसको आता है यार, भले ही हमें अभी तक यूज करते हुए नहीं दिखाया गया। हाँ बूढ़ा हो गया तो उसका स्पीड थोड़ा घट गया है, बट पावरफुल तो ये है। प्राइम जितना भले ही वो यार ड्यूरेबिलिटी नहीं रखता हो, स्टैमिना उतना नहीं रखता हो, बट बूढ़ा होने के बावजूद वो आज भी एक लेजेंड है। ये तो था मेरा मानना, अब तुम्हारा क्या मानना है मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही साथ आज 2 वीडियोस आने वाले हैं, मांगा चैप्टर भी रिलीज होने वाला है, तो मांगा चैप्टर का रिव्यू भी आएगा, और ये वाला वीडियो तो मैंने रैली के ऊपर बना दिया। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया, मुझे मालूम है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा, वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम इस चैनल पे घूमते घामते नए आ गए हो और ऐसे ही वन पीस रिलेटेड वीडियोस तुम लोग एंजॉय करना चाहते हो फ्यूचर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। और हाँ मुझे यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, 500 फॉलोअर्स कब करवा रहे हो, जल्दी जाओ और करवाओ यार। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। Che meno tone con i notte